ओदा सेवक बन के ओदी सेवा करदा करदा मर जाए। स्वामी हेत सेवक जो मरे भला ता की मात शोक क्यों करे, ओदी मां वैण क्यों पावे। ओ ते निमक हलाल मुंडा है, वो ते वफादार लड़का है। रोवो पापी हत्यारे नू, रोवो बेवफा नू, रोवो बेईमान नू, रोवो धोखेबाज नू, ओनू क्यों रोंदे। ये सौंकना दा प्यार है आपस विच। कुशल्या कह रही बेटा लक्ष्मण जू को मुख भूखो न रहन दीजो, आवे को इत। हे राम जे जंगल विचों कोई राही पांदी अयोध्या वल नू आउंदा तैनू मिल पाए ना, आवे को इत तो संदेशन को कहियो। अपना सुख सुनिया कली, मेरी नूह दा सुख सुनिया कली, मेरे पुत्र लक्ष्मण दा सुख सुनिया कली, आवे को इत तो संदेशन को कहियो। उतरत जाइयो काहू गांव के निकट, जे सफर कर दिया कर दिया। हे राम बेटा रात पै जाए ते जंगल विच डेरा न लावी, किसे पिंड दे लागे उतरी, किसे पिंड दे लागे डेरा लावी। कोई दर्द वाला तेनू पानी प्याल दे, कोई दर्द वाला तुहानू रोटी खवाल दे, कोई दर्द वाला तुहानू मंजा बिस्तरा लिया दे। उतरे ते जाइयो काहू गांव के निकट, ओ मोरे पूत बनवासी मोरी सुध लेते रही। मेरे जंगल वासी बेटा मेरिया आंदरां दी आवाज है, जंगल विच गए हुए पुत्रा मेरी खबर लैंदा रही, मेरी भी सुध लैंदा रही। हालांकि पता है सुमित्रा नूं भी, पता है कौशल्या नूं भी, पर 14 बरस के बाद राम जी ने आ जाना, फिर विछोड़ा नहीं जरिया जांदा, फिर जुदाई नहीं जरी जांदी। मैं जिस वेले एक कांड पढ़ना ना गोस्वामी तुलसीदास दा लिखिया होया, ते बदो बदी नेत्र भर जांदे ने। जिस वेले सारा दिन बीत गया, जिधर राम गया सी उधर कुशल्या वेखदी रही वेखदी रही। सूरज डुब गया, पुत्र दिसणों हट गए, ते कुशल्या दी जुबान हिली, कहन लगी बोर हूं के भूखे होए, मेरे पुत्र आज सवेर दे भुखे होणगे, चलत पग दुखे होए हैं, तुरदिया तुरदिया उन्हां दे पैर भी थक गए होणगे। पोर हूं के भुखे होए हैं, चलत पग दुखे होए हैं, प्यास मुख सूखे होए हैं, ते प्यास नाल ते नाल मेरे पुत्तां दे बुल भी सुक गए होणगे। मेरे पुत्ता को बोलिया भी नहीं जाता होना, तुरत मग रात के अजय मेरे काकिया ने सारी रात तुरना। प्यो का हुक्म है इन्ने मील सफर तो उड़ा नहीं तुसा डेरा करना, पार जाके मुकाम करना। वो सफर अजय बड़ा रहिंदा, चलत मग रात के सूर की किरण लाने, सूर की किरण लागे मेरे पुत्रां दे मुखड़िया नू सूरज दिया किरणा छू छू के। सूर की किरण लागे लाल कुम लाने हुए हैं, मेरे पुत्रां दे कमल फूल वर्गे मुखड़े कुमला गए होंगे। सूर की किरण लागे लाल कुम लाने हुए हैं, और कंटा लपटाने झग्गा फाटे हुए हैं गात के। कंडिया नाल झाड़िया नाल खुंगिया नाल फस फस के मेरे पुत्रां दे कुर्ते भी पाट गए होंगे, मेरे पुत्रां दे कपड़े भी पाट गए होंगे। ये कुशल्या गई है कल्पना करन, जिन्हू पता पई 14 वरिया नू मेरे पुत्र ने आ जाना, फिर नहीं दुख चलिया जांदा, फिर नहीं विछोड़ा जरिया जांदा। सूर की किरण लागे लाल कुम लाने हुए हैं, कंटा लपटाने झग्गा फाटे हुए हैं गात के। हां हूं क्यों ना पई बाज, कुशल्या दे अंदरों दुखी होके आवाज निकली, हे निरंकार
मैं अंतरी क्यों ना रह गई, मैं पुत जमिया ही क्यों, मैं राम नू जन्म ही क्यों दिता, जे मैं अंतरी नखत्री रह जांदी ते अज मेनू पुत्र दे विछोड़े दा दुख ते ना चलना पैंदा। हूं क्यों ना भई बांझ ते बनवास देन लगया पुत्र दा, प्यो दा कलेजा क्यों ना पाटिया। आली हे सखियो आली, अब भई सांझ तरकाला पै गई ने, सूरज डूब गया है, हूं क्यों ना भई बांझ, मैं उंतरी क्यों ना रह गई। ते भला जे मैं पुत्र नू जन्म दे ही बैठी सां ते हीए क्यों ना फाटे तात के, बनवास देन लग्या प्यो दा कलेजा क्यों ना पाटे, प्यो दा हालत क्यों ना फेल होया, केड़े पत्थर दिल नाल उन्हें 14 बरस का बनवास दे दिता। एदा कल्पना कर रही है, रोंदिया रोंदिया कहिंदे मैं अन्नी हो गई, नीर ने खुट गया, 14 वरिया का बिछोड़ा चलिया ना गया, ते जिस मां दे वेख दिया या 2.5 वरिया का बच्चा अग विच पा के छाड़ के सुवाह कर दिता हो, उस मां नू किदां चैन आवे। मां बेहोश है, तमाशाई तमाशा वेख रहे ने, हाहाकार मची हुई है, खबर तीसरे पैर अग दे विचों एक आवाज जी आई, मां जिस वे अग विचों आवाज आई मां, ते मां चौकस हो गई है, ये मेरे मालक ये सच्चाई है या सुपना, ये मेरी कल्पना है, मेरी ममता बोल दी एक हकीकत। जदों मां एदां दे उधेड़ बुण कर रही सी ना, ते दूजी बार आवाज आई मां, हुण ते मेरी मां मां अखवाउणा नहीं ना चाहुंदी, किन्ना प्यार वाला शब्द सी, जिस वेले मां दे कन्ना तक पहुंचया ना मां, ते मां दी जबानों बे अख्तियार निकल गया, वे बच्चिया हां, हां दी हां दा जवाब पाके ते मौलाना रूम जी कहिंदे ने गैबी एक आवाज आई माई दे कन्ना च, मां रो ना, मैं मोया नहीं, मैं जिंदा, मां ए अग मैनू तत्ती नहीं लगदी, थोड़ी थोड़ी ठंडी मालूम हुंदी है, मां तू चिंता ना कर, मां तू गम ना कर, कोई है रखवाला जिहड़ा रखिया कर सके। लोक अचंबा वेखण वास्ते तत्पर हो गए, मां सबरो करार विच आ गई, बादशाह सलामत दियां अखियां लग गई, ये की बन लगा है, की होया, अग नू ठंडिया कीता गया, नौकरां चाकरां नू कह के अग नू बखेर दिता गया, सहजे 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 सहजे, जिथे जे काके नू मशीन ने सुटिया सी, जिस वे नौकर चाकर सेवक उथे कि जे पहुंचे ना, ते वेख के हैरान परेशान रह गए कि जिवें मां दे पेट दे अस्थान विच बच्चा आराम नाल पिया होया हुंदा, इस तरह काका आराम नाल लेटिया होया, ते अपने खब्बे हाथ दा अंगूठा मूंह विच पा के मां दे दुध वांगू चुंगी जांदा, उन्हूं किते तत्ती वाह नहीं लगी, ओदा किते रोम नहीं छड़िया, उन्हूं किते हवा ही नहीं पोई। गुरु क्या सिखा, तेरा ते बड़ा दृढ़ यकीन होना चाहिदा, जिस राखे तिस कोई न मार, सो मुआ जिस मनो बिसार, तेरा ते इरादा बड़ा दृढ़ होना चाहिदा, भैन दा प्यार जाग पिया, वीरा मैं शिवजी कोलों वर लिया होया, मैनू अग नहीं छाड़ सकदी, प्रहलाद मेरी गोद विच बिठा के चार चुहेरे लकड़ियां चुन दे, मैनू ते अग ने छाड़ना नहीं, प्रहलाद सुहा हो जाएगा, तेरा रस्ता साफ हो जाएगा, तू रब बन जाएगा। जिस वेले अग बली ना, ते पालतियां दो सन, एक प्रहलाद दी ते एक हरणाक्ष दी,
हरनाश की पार्टी ने बकरे वढ़ ले, पुठे टंग ले, पोनिया लगन लग पईयां, बोतलां दे डट खुल गए, पी पी के मस्त हो के अकल नू घरों कढ के बेवकूफी नू जफा पा के ते फिर वो खे उड़ाउण होली है, चिकड़ गारा एक दूजे ते सुटन होली है, गंदमंद एक दूजे ते पौन बेहोश बेवकूफ बने हुए पे होली है के होलका नहीं सड़ सकती, वो मौजूद है। ते दूजी पार्टी सी प्रहलाद दी, उन्हां दे हथां विच माला सी, वो कहिंदे सी हे राम साडा लीडर बचा लही, हे राम साडे लीडर नू तत्ती वार ना लगे, हे राम साडे नेत्र नेता दा आप रखवाला होई, हे राम तेरे आसरे ते अग विच बह गया, इहदी रखिया तू करनी है। दो पार्टियां जन आ जेड़े फगन च रंग पाउंदे ने, निश्चा कर जाओ ये हरनाक्ष दी पार्टी है। ते प्रहलाद दी पार्टी बनाई, गुरु गोबिंद सिंह साहब ने हुक्म दिता आनंदपुर दी चोटी ते चले जाओ, ते अठ दिन आशा दी वार ला के भोग दे वेले गल आखो हरनाक्ष दुष्ट हर मारिया। जिहड़ा प्रहलाद दी पार्टी चों निकल के हरनाक्ष दी पार्टी च वड़ जाए, अफसोस करो, ओदी मां ते अफसोस करो, ओदे प्यो ते अफसोस करो, उस आदमी दे जीवन उते अफसोस करो जिहड़ा हरनाक्ष दी पार्टी च रल गया, मंदी पार्टी च मिल गया, अपने पराए दी सूझ बूझ कोई ना रही, अपने बेगाने दा ज्ञान ही कोई ना रहा, ओ कम करदा जिहड़े अनहोने होण, क्योंकि पार्टी बड़ी खराब है, पार्टी हरनाक्ष दी। जिस वेले पता लगा भाई प्रहलाद बच गया, अग ने नहीं सारिया सगों उल्टी होलकां छड़ गई है, ते है ना कोई रखवाला, जिसनू तू रखवाला मारे दिस कौन, किहड़ा माई दा लाल जमया जिहड़ा ओनू मार सके, जिहदी रखिया करे आप मेरा सतनाम वाहिगुरु। काका जिउंदा जागदा निकल आया, ते बादशाह सलामत अग नाल लड़ पए, कहण लगा अज तो तू काफर है, तू अपना धर्म छड़ दिता, तेरा धर्म सी कोई चीज सुकी होवे, गिली होवे, जिउंदी होवे, मोई होई होवे, पापी आवे के पुन्नी आवे, तेरा धर्म सी जला देना, तू अज एक लड़के नू नहीं साड़िया, तू अपना धर्म अपनी ड्यूटी छड़ दिती है, तू काफर है। ते मौलाना रूम कहिंदे ने ख्वाब विचों एक आवाज आई, भई मैं काफर नहीं, मेरी पोजीशन है जिस तरह मालक दे द्वारे उत्ते कुत्ता बैठा होया हुंदा, मालक दी रोटी खांदा, जिस वेले कोई मालक नू लुटन वास्ते आवे, मालक नू कोई तकलीफ देने वास्ते आवे, कुत्ता भौंकदा, मालक भावें उन्हूं मारे, मालक भावें उन्हूं चिड़के, पर वो ते मालक दी वफादारी विच हुंदा, वो ते उहदे भले लई भौंकदा, मालक भावें आखे मेरी नींद खराब हो गई है, पर वो ते भले लई भौंकदा। मैं मालक दे दर दे उत्ते एक कुत्ती हाँ, जिन्हां दा तालुक मेरे मालक विच है, मेरे मालक नाल है, जिन्हां दे अंदर मेरे मालक दी जात चमकदी है, उन्हां नूं मैं कदे नहीं छाड़िया, ते जिहड़ा तेरे वर्गा काफर कोई मेरे चाह जाए रब तों भुला होया विछड़िया, उहदियां मैं खे उहदी उड़ा दनियां, जर्रे उहदे उड़ा दनियां, तूं मेरे चाह के वेख। मौलाना रूम दे कथन अनुसार अग ने उह काका नहीं छाड़िया, गुरबाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे कथन अनुसार प्रहलाद नू अग ने नहीं साड़िया, मती दास ते भरा सती दास नू रूह विच पा के अग ला के शहीद कर दिता गया, पर वो अपने आईडीए तो नहीं बदलिया, घबराया नहीं, डरिया नहीं, कोई सिर दे उत्ते है जेड़ा वाहिगुरु दा नाम अग विचों बचा लैंदा है, दरख्तां नाल बन के मार खांदिया नू बचा लैंदा है, पहाड़ा तो धक्का दे लिए पत्थर नाल पटकदिया नू बचा लैंदा है,
नदी च पा के रोड़ दिए तो फिर भी डुबन नहीं देंदा। मेरा गुरु रामदास सोढ़ी सुल्तान सजा पातशाह होका देंदा, जिन्या सार नाम ना चेतिया जी, जिन्या सार नाम ना चेतिया जी, जिन्या सहायक मौजूद है। एवं निकी जी गल तो गुस्सा आ गया, मामूली जी गल तो क्रोध अंदर समा गया, एडा क्रोध ने तंग किया, एडा गुस्से ने साड़िया भाई। अगले दिन श्री हरिमंदर साहब जिदे वास्ते मैं कवंटरी वेख के आया, जिसले रात नूं दरबार समाप्त हुंदा, कड़ा प्रसाद वरत्या जांदा, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सुखासन करके ते फिर उतों दी संगत दो शब्द पढ़दी। महाराज दे कमरे दे सामने खलो के जदों शब्द पढ़ देना, वे डिठे सबे थाओ नहीं तुद जे है, बदो पुरख बिधाते ता तू सोया, वसदी सघन अपार अनूप रामदास पुर, अरे हां नानक कस मल जाए नाया रामदास सर। कोई खास स्वाद आउंदा उस वेले, ऐसे प्यार नाल पढ़दे ने, आनंद आ जांदा, बदो बदी मनक मस्ती जई महसूस करदा, हुलारा जिहा महसूस करदा। लेकिन निक्की जई गल तो गुस्से होके ऐसे माया दे पंजे च फसे, ऐसा माया ने तीर मारिया, हरिमंदर नहीं आए, जिदे वर्गा होर थां कोई नहीं दुनिया ते उत्थे नहीं आए। साहब गुरु अर्जुन देव सोढ़ी सुल्तान महाराज नू पता लगा अज सता बलवंड कीर्तन करने नहीं आए, ते मेरा इतिहास ये गल कहिंदा के भाई साहब भाई गुरदास नू कल्या करनी दे पूरे सूरे 1430 पन्ने गुरु ग्रंथ साहिब दे लिखारी रिश्तेदारी विचों हजूर दे मामे उच्च कोटी दे विद्वान और कवि उच्च कोटी दे गुरु भगत एडी वड्डी हस्ती नू सरकार ने भेजा के जाओ सत्ते बलवंड नू सद के लियाओ, आशा दी वार दा कीर्तन सुनाओ। हरिमंदर साहब विचों अज साडिया कन्ना ने कीर्तन नहीं सुनिया, प्यासे ने कन, ते सत्ते बलवंड ने बड़ा रुखा बड़ा पैड़ा बड़ा कौड़ा बड़ा खरवा जवाब दिता भाई गुरदास नू, ते भाई गुरदास निम्मू चूणा जिहा होके आ गया हजूर दे सामने खलो के कहन लगे, महाराज जे मुड़ के नरकां च भेजना पै ते मैनू बेशक भेज दियो, पर मैनू दूजी वार सत्ते बलवंड दे करना भेजो, उन्हां तुहाडी शान च बड़े बड़े भैड़े अखर बोले ने, बड़े बड़े मंदे अखर बोले ने, महाराज माया नागणी दे डंगिया होया ने, तुहाडी शान वाली नहीं वेख्या। सरकार मैं सिर नीवा करके आ गया ते गरीब नू आज कहन लगे, मामा जी दुखिया दी रसना विचों कई गल्लां निकल जांदियां ने। बाबे बुढ़े नूं बुलाया, बाबा जी तुसी जाओ, ब्रह्म ज्ञानी हो, तिलक देण वाले हो, तुहाडी बड़ी उच्ची पोजिशन है, तुहाडा बड़ा पंथ विच सत्कार है, तुसी हरिमंदर साहब दे ग्रंथी हो, जाओ सत्ते बलवंड नूं मेरे वल्लों हथ जोड़ के आखो आउण। बाबे बुढ़े ने जाके जिस वेले आख्या, सत्ता बलवंड दस तो मस नहीं हो, सत्ते बलवंड दे कन उते जू नहीं सरकी। हजूर एवें ते नहीं ना कहिंदे भई माया ममता मोहनी जिन विण दंता जग खाया, हजूर एवें ते नहीं ना कहिंदा सर कहिंदे भई सरपणी ते ऊपर नहीं बलिया जिन बर्मा बिशन महा दे छलिया। ते साहब बाबा बुढ़ा जी परत आए गरीब नू आज उन्होंने ना कर दिती है। महाराज बड़े हठिए ने,
हजूर बड़े फिके बचन बोलते ने, उन्हां नूं गुरु घर दी माण मर्यादा ही भुल गई है। नागनी माया नागनी ने ऐसा डंग मारिया, ऐसे जहर विचों बेहोश होए ने, उन्हां नूं गुरु नानक निरंकारी दे दरबार दी मर्यादा ही भुल गई है। महाराज मैं निराशा होके आ गया उन्हां डूमां दे घरों, ते गरीब नूं आज साहिब सच्चे पातशाह सोढ़ी सुल्तान पंजवां बापू तत्तियां तवियां उत्ते बह के अपने प्रीतम नूं चेते करन वाला आप पैदल तुर के डूमां दे घर गया। पैदल हथ जोड़े जाके सत्या, भाई सत्या, भाई बलवंड, अज तुसी दरबार नहीं आए, मेरे कन्ना ने आसा दी वार दा अमृत नहीं पीता, मेरे कन्न प्यासे ने, मेरा मन उतावला, मेरे अंदर दिया आवाजा ने सत्या चलो बलवंड चलो, आसा दी वार दा मिठा प्यारा सुंदर कीर्तन मैनू सुनाओ, ये आत्मा दी खुराक है। माया नागनी दे डसे हुए, माया नागनी दे जहर विच बेहोश होए हुए सत्य बलवंड ने गुरु अर्जन साहब दे सामने गलबात करनी शुरू की थी। पता लगा कि नहीं साडा साडी शान अज लगी, समझ जाई कि नहीं, अजो नहीं गए, आना पिया कि नहीं साडे घर। दो सिख भेजन दे बाद आप तुर के आना पिया कि नहीं साडे घर, साडे बिना गल बन किदा सकदी। जो क्रोध विच आए, जो गुस्से विच आए, जो माया नागनी दे जहर विच फसे, इथों तक पहुंच गए, इथों तक कहन लगे तेरा की है, अज ना आउंदो पलके आउंदो, पलके ना आउंदो परसों, तू ते साडे आउणा ही आउणा सी। जे किते साडी कुल विचों मरदाना ना हुंदा मरदाना, ते अर्जन साहब जी तुहाडे गुरु नानक नूं कौण जाणदा सी, तुहाडे गुरु नानक दी कौण बात पुछदा सी जे किते मरदाना। जिस वेले नानक निरंकारी दी शान दे खिलाफ रुख खुशक भैड़े बचन बोले, ते सरकार मुड़ पे सिखां नूं नाल लै के मुड़ पे, ते कहण लगे ओ फिटियो होयो, ओए कोड़ियो, ओए नानक निरंकारी दी निंदा, जिसने दुनिया दे तख्ते उत्ते चक्कर ला के सारिआं दा भला मंगिआ ओदी निंदा, जिसका दिता इना चिर तुसी खांदे रहे ओदी निंदा, जिहड़ा किसे दा बुरा नहीं मंगदा, ठंडा मिठा परोपकारी दयालु मेरा नानक निरंकारी बेदी पातशाह, कोई ओदी निंदा कोड़े हो, तुसी फिट गए हो। मैं कहना वो दिन भागा ही वाला सी, जिदन फिर वह रुस गए थे, तुहानू सतगुरां ने आके आख्या पढ़ो भाई कीर्तन करो। महाराज असी साज नहीं वजाने जानते, सानू सुर सरगम का नहीं ज्ञान, सानू रागां दी नहीं पछाण, ते नानक निरंकारी दे पंजवें रूप का जवाब यह सी तुसी बह जाओ, तुहानू कीर्तन दी दात मेरा सतनाम वाहेगुरु बख्शे, तुहानू आप होए अमोलक पदार्थ देगा, नानक निरंकारी तुहाडे अंग संग है। सिखा ने कीर्तन किया, ये कोड़े हो गए, लव पाक वगन लग पिया, जो सतगुर फिटके से सब जग फिटके, जेड़ा सतगुरु ने दुरकारिया उन्हू जगत ने दुरकार दिता, वो दीन दुनिया तो गया आया। भाई गुरदास ती वारा विच एक बचन आउंदा है, भई निगुरे दे मूह लगना ही बुरा है, निगुरे का दर्शन करना ही पाप है, निरंकार दया मया करे कि निगुरे दे मथे न लात, निगुरे दे दर्शन ना हो जान। कोड़े हो गए, कोई मुंह नहीं लाउंदा, बदबू आउंदी है, सूईयां चुभदियां ने, लहू पाक वगदा है, हालों बेहाल ने, कोई पेश नहीं गई, ते फिर किसे तरह औखे सौखे होके भाई लद्दे दे घर पहुंचे। लद्दिया तू परोपकारी सुनी दे,
लद्या तेरे उत्ते नानक निरंकारी दी बड़ी रहमत है, तेरा कोई कहना नहीं मोड़दा। लद्या सी टुट गए गुरु नालों, लद्या सी विछड़ गए गुरु नालों। सानू चांदी दे चार टुकड़िया ने कुराए पा दिता भाई लद्या, असी माया नाल प्यार किया, असी गुरु नाल ना प्यार किया, सानू माया मिठी लगी, सानू गुरु ना प्यारा लगा। लद्या साडे औगण ने, साडे गुनाह ने। जिस वेले इथे क जाए मन पहुंच जाए ना इथे क जाए, उहदा भला हो सकदा, पछतावा करे। शिकारी ने मार दिता तीर, शिकार दे ऐन टिकाने जाके वजा, शिकारी खुश हो गया, मैं शिकार मार लिया। लागे जाके वेख्या ते वो हरन नहीं सी, वो जंगल का कोई जानवर नहीं सी, वो सी कृष्ण। जिथे तीर मारिया वो सी पदम, लहू वगदा कृष्ण अड्डियां रगड़दा। शिकारी ने जाके वेख्या भाई साहब भाई गुरदास जी का बचन है, भाई जाए सुता पर भास विच गोडे उत्ते पैर पसारे। अंत वेला आया, प्रभास तीर्थ विच जाके सौ गए, अपना चरण चुक के दूजे गोडे उत्ते रख लिया। चरण कमल विच पद्म है, चिलमिल चमके वांगी तारे। तारे वांगू पद्म लिशकिया चमकिया, ते बद के आया पहाड़ दा। शिकारी आया शिकार लभदा, उन्हें दूरों वेख्या कोई चीज चमकदी, उन्हें जाणिया हरन दी अख है। पथे चो कढ़िया तीर, चार के अपने कमान दे उते लिया निशाना। भाई साहब भाई गुरदास दे अखर ने बद के आया पहाड़दा, जान बाण ले मारे मिर्गे, जान बाण ले मारे, जान बाण ले मारे मिर्गे, जान बाण ले मारे। जिन्हें जिन्हें अपनी रसना नू खेचल नहीं दिती ओ दियो, जान बाण ले मारे मिर्गे, जान बाण ले मारे, जान बाण ले मारे मिर्गे, जान बाण ले मारे। दर्शन दिठो सुजा करण पलाव करे पुकार, जिन्हों शिकार जान के तीर मारिया सी ओदे कोल गया, जाके शिकार वल वेख्या ते ओ जंगली जानवर नहीं सी कोई, वो सी कृष्ण, वो सी यशोदा नंदन, वो सी वसुदेव सुत, वो सी यदुकुल राय। फिर चीखा निकल गई शिकारी दिया, दर्शन डिठो सुजाए के करण पलाव करे पुकार। तीर ने पाए चीखा मारिया, पश्चाताप कीता, आहोजारी कीती, कृष्णा मैं तेन कृष्ण जान के तीर नहीं मारे, मैं देव की सुत जान के तीर नहीं मारिया, मैं यदुकुल राय जान के तीर नहीं मारिया, कृष्णा मैं हरन दे पुलेखे तीर मार बैठा, मेरी गंदी किरत, मेरे गंदे पेशे, मेरे पैड़े कर्म ने, जिथे मैं हजारां जीवां दी जान लई, मेरे कर्म ने मैनू एक अवतार दा कातल बना दिता, मैं एडा हत्यारा पापी बन गया, मेरे हथों एक अवतार कतल हो गया। कृष्णा भुलेखा हो गया, तपड़ा लग गया, भुल गया, मैनू माफ कर दे। ते भाई गुरदास कहिंदे ने जिस वेले पछतावा कर रहा सी ना शिकारी, गल विच लीता कृष्ण जी औगुण कीते हरन च तारे। कृष्ण ने जफी पा ली, ओदे औगुणा वल वेख्या ही नहीं। भाई गुरदास कहिंदा भले भले कर मन्नीए बुरियां दे हर काज सुवार। तू डिग के ते वेख, भलिया नू ते भले करके मन्ने जाना, बुरियां दे काज सुवार देंदा, पर तेरे अंदरों हौमे दा किला नहीं टुटदा, तेरे अंदरों हौमे
ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਨੀਵਿਆਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਛਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਦਿੰਦੀ। ਹਉਮੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੱਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੋਏ, ਸਤਾ ਬਲਵੰਡ ਕੀਤੇ ਉੱਤੇ ਪਸ਼ਚਾਤਾਪ ਕੀਤਾ, ਹਾਵੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਭਾਈ ਲੱਦਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਫੇਰਨਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਲੱਦਿਆ ਫਿਰ ਕਰ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਗੰਢ ਦੇ, ਅਸਾਂ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾ ਦੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਹੀ ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ। 35 ਮੀਲ ਪੈਂਡਾ ਬੱਚੇ ਫਕੜੀ ਮਾਰਦੇ ਆਏ, ਲੋਕੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਤੇ ਲੱਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਲਈ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਿਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਆਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਗੁਰੂ, ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੰਜ ਗੁਰੂ, ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੱਤੇ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੱਦੇ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਗਰੀਬ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਕੱਚੀ ਅਕਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੇਰਾਂ ਫੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਉ ਪੇਚ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਦਿਆਲੂ, ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਇਹ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰੇ ਆਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਖਤੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੱਦਿਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਫੇਰਨਾ, ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਫੇਰਨਾ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਹੀ ਖੋਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਪਿਆ, 35 ਮੀਲ ਪੈਂਡਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫਕੜੀ ਵੱਜਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਤ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਨਵੀਂ। ਲੱਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਲੱਦਿਆ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਲੱਦਿਆ, ਧਨ ਹੈ ਤੂੰ ਲੱਦਿਆ, ਤੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਓਨੀ ਥੋੜੀ ਹੈ ਭਾਈ ਲੱਦਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜੜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੂਟੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਕੇਵਲ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ, ਉਪਮਾ ਕਰਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸਿਫਤ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋੜ ਹਟਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿੱਕੇ ਦੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਭਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਲੱਗੇ ਉਪਮਾ ਕਰ, ਲੱਗੇ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਲੱਗੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ, ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਗਾਈ ਜਾਣ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਜਾਏ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਜ਼ਖਮ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾਣ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਮਨ ਨੂੰ ਚੈਨ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ
जेड़ा निरंकार संसार दा मालक है। सो करता काद जेड़ा तमाम हरण भरण दा मालक है, उदे सामने गया होया। क्यों बोल होवे जोखीम दे, जदों तू उदे सामने गयो तेरे पाप तेरे कुकरम तेरिया अवग्यावां तोलियां गईयां जोखियां गईयां हाड़ियां गईयां तेरे को किदा बोलिया जावे। तू किस तरह उदे सामने जाके लब कुशाई करेंगा, किस तरह जाके माफी मंगेगा। जो लगे उपमा करन जो लगे उपमा करन कर दया कर दया कर दया कर दया कर दया इथो तक पहुंच गए। तन 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 रामदास गुरु जिन सिरिया तिने सवारिया पूरी होई करामात आप सिरजन हारे धारिया। गुरसिखी अतै संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। तन सो तेरा थानिया तन तेरा पैसकारिया। ये उपमा करी जान जख्म इन्हां दे सुकदे जान तपदे सड़दे लुछदे मन नूं ठंड पैंदी जाए ते फिर बेसाख्ता बदो बदी इन्हां दी रचना विचों निकल गया। मेरे बापू नेड़े दिछे मात लोक तुझ सुझे दूर, जो जो तेरी निंदा करे सो वंजे चूर। आ मेरे शहनशाह जड़ा तेरी निंदा करेगा उदा रहना कुछ, जड़ा तेरी निंदा करेगा उदा बेड़ा गर्क हो जाएगा, जड़ा तेरी निंदा करेगा उस दरखत दियां जड़ां सुक जाणगियां, कदे वड़े वधे फुलेगा नहीं, कदे उन्हों फुल नहीं लगनगे, कदे फल नहीं लगनगे, कदे नौशो नमा नहीं पाएगा, वो तेरा निंदक है। ज्यो ज्यो उपमा कर दे गए तंदरुस्ती नेड़े आ गई। जेड़ा नाम वाहगुरु दा सत्ते बलवंड वर्गिया कोड़िया नू उन्हां दा कोड़ हटा के ठंड पा के धन गुरु नानक निरंकारी सच्चे पातशाह दी चरनी ला दे ना। जिन आसार नाम नाचतियाज, जिन आसार नाम नाचतियाज, छेकाए जग आए राम राजा, मानस जन्म दुर्लभ नाम बिन बिरथा समझे। मनुखा जन्म है ते चंगा पर नाम तो बिना फजूल जा रहे, नाम तो बिना बेअर्थ जा रहे है। हुण वत्ता है हर नाम न बीजे। ये जड़ा मनुख जन्म है जिवें खेत वत्त उत्ते आ जाए पैली वत्त उत्ते आ जाए, जड़ा जिमीदार उदों बीज ना पैली च पावे उहदा टब्बर भुखा मर जांदा। ये मनुखा जन्म वत्त लगा होया पई प्राप्त मनुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की ए तेरी बरी। ए निरंकार नू मिलन दा चांस है तेरा, बड़ा बेहतरीन ते बड़ा अफजल चांस है तेरा। जे ए दे ही पाके भी तू नहीं जपया सतनाम वाहगुरु, होर किसे दे ही जे तेरे कोलो सिमरिया नहीं जाना। हुण वत्ते हर नाम ना बीजिया, अगे भुखा क्या खाए। जेड़े जिमीदार ने वेले सिर अपने खेतां च बी नहीं पाया उहदा टब्बर भुखा मर जांदा। जिसने मनुख जन्म च नाम दा बीज नहीं बीजिया उहनू अगली दरगाह च जाके भुखा रहना पएगा, अगले जन्म च उहनू दुख सहने पैणगे, उहनू तरह तरह दे कष्ट सहने पैणगे। मन मुखां नू फेर जन्म है, नानक हर पाए। हजूर कहिंदे ने वाहिगुरू नू इहो पाउंदा, वाहिगुरू नू इहो चंगा लगदा कि मनमुखा नू दोबारा जन्म लेना पै। जिन्हें नहीं नाम सिमरिया उन्होंने दोबारा मां दे गर्भ च नौ महीने पुठा लटकना पेगा, उन्होंने दोबारा इत्थे आके घालना घालनी पेगी। जिन्ना चिर नाम नहीं जपदा उन्ना चिर इहदा पार उतारा नहीं हुंदा। नाम दी बेड़ी ते चढ़े तो बिना पारला किनारा नजर नहीं आ सकदा। नाम अधेन ते जपन तो बिना यह जोत विच पै के जोत नहीं बन सकदा। गुरु की संगत पतत पावन संगत अरदास करो, जे गुरुद्वारे आ गए हैं
हे वाहगुरु कोई किणका साडे अंदर वसा दे, हे निरंकार कोई जर्रा साडे अंदर वस जाए, कोई किणका मात्र अंदर टिक जाए ताकि असी शव सागर विचों पार हो सकीए। मैं एक रसाले विच पढ़िया सी, एक आदमी अपने प्यो नूं डोबण गया, किसे गलों गुस्से होकर डोबण, वो जिस वेले गोड्या तो तां पानी आया ना पट पट, ते उथे लगा प्यो नूं डोबण, ते प्यो ने आख्या काका इथे ना डोब जरा थोड़ा गां हो जा। देखा गां होण दा की मतलब, क्यों हो जा? कहिंदा मैं अपने प्यो नूं गल गल पानी च डोबिया सी, ते तेरे मसां जे पट पट ही आया, होर गां हो जा। वो मुंडा बड़ा सियाणा सी, कहण लगा हैं, इन्हें अपने प्यो नूं गल गल पानी च डोबिया, मैं अज इनू डोब दिया, बल्कि मेरा पुत मैनू डोबेगा। ये वैर लिया तो नहीं वैर मुकने, वैर छड़िया वैर मुकदे ने, वैर लिया वैर नहीं मुकने। जिन्ना चिर आदमी त्यागी नहीं बनता, वैर नू अंदरों नहीं कढ़दा, वैर त्यागन की भावना नहीं करता, उन्ना चिर यह कदे गुरु के चरणी लिपट नहीं सकता, यह दोबारा गुरु वारा नहीं बन सकता। अरदास करिए, चोली अड्डी है, हे वाहगुरु जेड़ा नाम पपियां दे बेड़े पार करदा, ओदा जर्रा को सानू भी बख्श, असी भी ठंडे हो जाइए, साडे अंदरों भी काम क्रोध ईरखा लड़ाई झगड़ा निकल जाए, असी तेरे अखवा के लोग सुखिए पर लोग सुहेले बन सकिए। इन्हां अखरां नाल तुहाडे कोलों अज दे दिन दी खिमा चाहुंदा। कल जेड़ा शब्द पढ़ांगे वो ये होगा, अपने सेवक की आपे राख है, आपे नाम जपावै, जे जे काज किरत सेवक की तहां तहां उठ तावै। इस शब्द विच की कुछ भरिया पिया है, इस शब्द दी राही सानू सतगुरु की कुछ बख्श रहे ने, की चीजा दान दे रहे ने, ये इत्थे आउण ते ही पता लगेगा। राती साडे सत्कार योग सैकटरी साहब नूं तुहाडी थोड़ी हाजरी वेख के ये कहना पिया भी अज हाजरी घट है। वाहगुरु की कृपा हुई, अज मौसम बहुता ही खराब है, ते तुहाडी हाजरी कल नालों दूनी है, मेरिया धीआं बच्चिया की हाजरी भी कल नालों वधेरे है। मैं आस करांगा गुरु रामदास पातशाह दे घरों कि जिहड़ा शब्द पड़के प्रारंभ होगा वो भी दो दिन पढ़िया जाएगा, एक दिन उहदी कथा समाप्त नहीं होनी, ते उस कथा दे अंदर सतगुरां ने की कुछ हीरे सानू अर्प देने ने, उहनां नाल झोली भरन वास्ते समय सिर दर्शन देने, अज दीआं भुल्लां गलतियां गुरु रामदास पातशाह दे दर दा कूकर जाण के माफ करनियां, बचन गुरु का जाण के अंदर वसाउणा, ताकि मेरा तुहाडा समा लेखे विच पै जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली माला तीजा आनंद के ओंकार सतगुरु प्रसाद, आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पा, सतगुरु का पाया सहज सेठ मन वजियां वादा, राग रतन परवार परियां शब्द गावणे, शब्दों से गावो हरी केरा मन जिनी वसाए।